ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी फिजिक्स। आज हम डीसी मोटर का लास्ट चैप्टर ले रहे हैं, लास्ट लेक्चर ले रहे हैं, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, डीसी जनरेटर डीसी मोटर से आएंगे, बाकी जो इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, सर्वो मोटर है, इन सबके केवल एप्लीकेशन पूछेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आईटीआई ट्रेड के लिहाज से। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो स्पीड कंट्रोल के लिए हम डीसी मोटर में फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड कंट्रोल का फॉर्मूला क्या था, तो आप सभी ये फॉर्मूला जानते हैं। स्पीड कंट्रोल का फॉर्मूला था के के जो कांस्टेंट था, वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाई, वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाई। के कांस्टेंट था जिसमें जेड पी नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टर्स, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, जितने भी थे वो सब कांस्टेंट आ गए के अंदर। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें तो केवल वेरिएबल देखने हैं, कांस्टेंट से मतलब नहीं है। तो इसमें इस फॉर्मूले से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्पीड किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। अब देखो इस फॉर्मूले की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले वी देखें, वी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, जो हमेशा 230 वोल्ट या जितना भी फिक्स होता है, 440 वोल्ट फिक्स होता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। अब बात करते हैं आईए करंट। आईए करंट किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस और इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। आर्मेचर करंट कितना लोड है, कितना आर्मेचर रेजिस्टेंस है, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो मेनली जो स्पीड है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो आर ए जो होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस और एक होता है फाई। फाई क्या होता है, फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स बोल दो या फिर बोल दो फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक कोयल के अंदर जनरेट होता है, जो फ्लक्स के लिए वाइंडिंग करते हैं सीरीज शंट। तो दो चीज होती हैं स्पीड कंट्रोल के लिए, एक तो फील्ड फ्लक्स और एक आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए और फ्लक्स। अब हम इनकी दोनों की बात करें कि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम सारा चैप्टर कवर करेंगे। तो स्पीड की बात करें तो स्पीड पहली चीज बात करें तो फ्लक्स जो होता है, फील्ड फ्लक्स जो होता है फाई, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूले से पहली कंडीशन तो ये निकल के आई। सेकंड क्या निकल के आई कि जो स्पीड है ये रेजिस्टेंस होता है आर ए, इसके भी व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि ये ऊपर तो है, जो चीजें ऊपर होती हैं वो समानुपाती का चिन्ह लेती हैं, लेकिन इसमें बीच में माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह मतलब जितना ये चीज बढ़ेगी उतना ये पूरा चीज घटेगी, मतलब ये पूरा एन का मान घटेगा, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिस भी चीज में ऊपर माइनस लग जाए उससे पहले उस चीज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऊपर वाली चीज समानुपाती तो होती थी, लेकिन जब माइनस चिन्ह बीच में आ जाता है तो व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि स्पीड का मान आर्मेचर रेजिस्टेंस के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से हम स्पीड कंट्रोल के दो मेथड निकल के आए जो हमेशा यही रहेंगे। पहला मेथड क्या निकल के आया कि स्पीड है वो फ्लक्स पे डिपेंड कर रही है, तो पहला मेथड बनेगा फ्लक्स कंट्रोल मेथड। पहला मेथड बनेगा फ्लक्स कंट्रोल। दूसरा मेथड ये क्या है, रेजिस्टेंस से निकल के आया कि आर्मेचर रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है स्पीड का मान। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको सिंपल या तो आर्मेचर बोल दो या फिर रिओस्टेटिक कंट्रोल बोल दो, या तो इसको बोलेंगे आर्मेचर या फिर इसे क्या बोलेंगे, रिओस्टेटिक कंट्रोल मेथड। सिंपल दो चीजों पे डिपेंड करती थी स्पीड, हम फॉर्मूले से देख ली, एक तो आर्मेचर रेजिस्टेंस, एक फील्ड फ्लक्स। फ्लक्स और आर्मेचर दोनों के नाम पे नाम पड़ गया, एक तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड और एक हो गया आर्मेचर या रिओस्टेटिक कंट्रोल मेथड। तो अब हम दोनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम शंट मोटर के बारे में, शंट मोटर के लिए वेरिएशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम सीरीज मोटर के लिए देखेंगे। लेकिन ये बेसिक था, ये हर जगह सेम रहेगा, ये कॉन्सेप्ट है, पूरे सीरीज शंट दोनों के अंदर सेम रहेगा, बस उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि सीरीज में फ्लक्स का मान किस फ्लक्स का मान बढ़ता घटता कब है, आर्मेचर करंट का मान कब घटता घटता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान कब बढ़ता घटता है। तो उनकी कंडीशन अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन ये चीजें हमेशा समान रहेंगी, बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी, प्रिंसिपल नहीं बदलेंगे। अब हम बात करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर।
तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर। तो सेम कंट्रोलिंग मेथड दो प्रकार के होंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर के लिए। देख रहे हैं पहले शंट मोटर हो चाहे सीरीज मोटर हो, मेथड हो, मेथड दो ही होंगे कंट्रोलिंग के, स्पीड कंट्रोलिंग के, फ्लक्स कंट्रोल, दूसरा आर्मेचर या फिर इसे बोलते हैं रेजिस्टेटिक कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं, हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। तो इसको या तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल बोल दो या फिर रेओस्टेटिक। रेओस्टेटिक मतलब सिंपल रजिस्टर से इसका मतलब होता है रिओस्टेटिक कंट्रोल। तो हम डीसी मोटर के लिए दोनों चीजें देखें। इससे पहले आपको डीसी मोटर का डायग्राम याद आ रहा होगा, शंट मोटर की बात कर रहे हैं तो शंट मोटर का डायग्राम आपको मैंने बताया था। तो ये सब चीजें लॉजिकल हैं, आपको ये पीछे से याद रखनी पड़ेंगी जो मैंने बताई थी। तो शंट मोटर का डायग्राम एक बार देख लेते हैं दोबारा से। आर्मेचर होता था, आर्मेचर के सॉरी समांतर क्रम में पैरेलल में ये फील्ड वाइंडिंग होती थी, इधर से हम वोल्टेज अप्लाई करते थे मोटर के लिए। ये किसका डायग्राम है, शंट मोटर का। तो अब हमें क्या करना है, हमें दो मेथड पढ़ने, एक तो फ्लक्स कंट्रोल। फ्लक्स क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग में पैदा होता है इधर फील्ड वाइंडिंग में। एक तो फ्लक्स को कंट्रोल करना है, तो फ्लक्स को कैसे कंट्रोल करोगे, इसके साथ यहाँ पे इसके साथ क्या जोड़ दो, एक वेरिएबल रजिस्टर जोड़ दो। वेरिएबल मतलब वेरिएबल रजिस्टर जोड़ दो, वेरिएबल मतलब जो एडजस्ट हो सके, जो रजिस्टर कम ज्यादा हो सके उसे बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। तो हमें क्या करना है कि फ्लक्स कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, फील्ड वाइंडिंग बना दी, वेरिएबल रजिस्टर का डायग्राम ऐसे बनाते हैं, जिस सिंपल रजिस्टर बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, लेकिन वेरिएबल रजिस्टर बनाना है तो इसके अंदर ये यहीं से ऐसे एडजस्ट यहाँ से बीच में से टाइप वाइंडिंग निकाल देते हैं, मतलब ये एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है रजिस्टर का मान। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल रजिस्टर लगा देंगे और यहाँ पे सेम आर्मेचर होगा, बाकी डायग्राम सेम टू सेम, बस यहाँ पे फील्ड के साथ रेजिस्टेंस लगा दिया हमने वेरिएबल रजिस्टर। अब जैसे जैसे इस रजिस्टर का मान हम बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इधर से कम करंट गुजरेगी, कम करंट गुजरेगी तो कम फ्लक्स पैदा करेगा। तो जैसे जैसे रजिस्टर का मान हम बढ़ाएंगे, वेरिएबल रजिस्टर आर जो ये वेरिएबल रजिस्टर हमने जोड़ा है, इसका मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि करंट कम हो जाएगी, और फ्लक्स का मान जब कम होगा तो स्पीड का मान ज्यादा होगा। ये तो हमने पढ़ा था कि फ्लक्स और स्पीड दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब ये चीज हम आर्मेचर के लिए कैसे करेंगे, आर्मेचर के साथ में जोड़ देंगे। अब हमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस कंट्रोल करना है, क्या करना है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे आर्मेचर में से बहने वाली मतलब एक्चुअल में करंट कंट्रोल करनी है, और करंट कैसे कंट्रोल होगी यहाँ से बहने वाली, जब यहाँ का रेजिस्टेंस हम कंट्रोल कर सकें। तो हम क्या करते हैं, आर्मेचर के साथ में वो सेम टू सेम एक वो कनेक्ट कर देंगे रेजिस्टेंस, वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर कनेक्ट कर दो, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, मतलब ये वेरिएबल है। तो ये हो गया कंट्रोल मेथड, कौन सा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर या फिर रिओस्टेटिक कंट्रोल मेथड। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस आर ए को कंट्रोल करते हैं, आर ए का मान कंट्रोल करेंगे तो आई ए का भी मान कंट्रोल होता है, आर्मेचर करंट जो होती है इसका मान कंट्रोल होता है। और आप जानते हो आर्मेचर की स्पीड है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, हमने पढ़ा था जब वहाँ पे हम स्पीड देख रहे थे, इधर एन था इधर एस होता था, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये क्या हो गया, कॉइल हो गई। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है मोटर में, फोर्स का मान कितना होता था, बी आई एल, मतलब एक करंट के समानुपाती होता है एफ का मान, जितना भी ज़्यादा ये उतनी ज़्यादा तेजी से घूमेगी जितना ज़्यादा आर्मेचर करंट होगा। अब एक्चुअल में इसमें कंट्रोल करंट ही कंट्रोल करते हैं, तो करंट कंट्रोल कैसे होता है, रजिस्टर से होता है, इसलिए इसका नाम है आर्मेचर या फिर रिओस्टेटिक कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस या रिओस्टेटिक कंट्रोल मेथड। तो इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं, जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान हम बढ़ाएंगे करंट का मान क्या होगा, कम होगा, और करंट का मान कम होगा तो स्पीड का मान भी कम होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ाते हैं, जैसे ही हम रेजिस्टेंस का मान बढ़ाते हैं स्पीड का मान घट रहा है, इसीलिए ये रिलेशन निकल गया था, एन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ए। और ये चीजें आपको देखने की या समझने के लिए बताई, ये चीजें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, मैंने पहले फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला बताया था एन इक्व टू के जो कॉन्स्टेंट था, इसे कोई मतलब नहीं है, वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाइव, मतलब यहां से देखा तो फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है और आर ए के भी व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि बीच में चिन्ह माइनस का है। तो हम ये शंट के लिए देख रहे हैं, ये सेम टू सेम सीरीज के लिए देखना है। तो अब हम देख सकते हैं कि कैसे कंट्रोल करते हैं, आपको मैंने बता दिया, तो हम एक बार फिर भी और देख लेते हैं इसे कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड पढ़ना है पहले हमें, किसका, शंट मोटर का। तो शंट मोटर का सिंपल डायग्राम आप जानते हो,
तो हम देखते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड के लिए कैसे डायग्राम बनेगा। सिंपल आर्मेचर आप जानते हो, आर्मेचर बना दिया हमने, सिंपली आर्मेचर बना दिया। इधर से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, शंट मोटर का डायग्राम बना रहे हैं, इधर से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इधर ये शंट फील्ड है, शंट फील्ड होती है। अब हमें करना क्या है, फ्लक्स, इसका नाम क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स कहाँ पैदा होता है, फील्ड वाइंडिंग में, फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग में पैदा होता है। अब इसको कंट्रोल करना है तो इसके साथ रजिस्टर लगा दिया, इसके साथ एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया, ये हो गया फील्ड कंट्रोल मेथड, फ्लक्स कंट्रोल मेथड हो गया। जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस का मान है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान हम बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसमें से करंट कम आएगी, करंट का मान बढ़ेगा। मतलब जो ISH बोलते थे हमें, संट करंट का मान जो लेते थे इधर, ये क्या होता था, ISH, इस फील्ड वाइंडिंग को बोलते थे संट फील्ड वाइंडिंग। तो ISH जो इसके अंदर करंट बहेगा उसका मान कम होगा, और जैसे जैसे ISH का मान कम होगा तो यहाँ पे फ्लक्स का मान भी कम होगा। फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स का मान कम होगा तो क्या होगा, स्पीड का मान बढ़ेगा। ये तो हमने देखा था अभी अभी कि फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है स्पीड की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू कहने के लिए फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। तो मतलब क्या है कि हम यहाँ पे रजिस्टर्स, एक वेरिएबल रजिस्टर लगा के इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर लगा के इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हो गया फ्लक्स कंट्रोल मेथड। अब हम बात करते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड की। तो आज मैं आर्मेचर के साथ में लगा दो, सिंपल डायग्राम बनाओ आर्मेचर का, या आर्मेचर का डायग्राम बन गया। अब इसमें आर्मेचर के साथ में एक रजिस्टर जोड़ना है, बाकी पूरा डायग्राम सेम टू सेम होगा। वो इधर फील्ड वाइंडिंग आ जाएगी, ये फील्ड वाइंडिंग आ गई, इधर से हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया। अब इसके साथ एक रजिस्टर लगाना है, तो इसके साथ एक रजिस्टर लगा दिया हमने, वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया। अब इसको ये कनेक्ट कर दिया सिंपल। अब हम आर्मेचर स्पीड को किसके द्वारा करेंगे, इस रेजिस्टेंस के द्वारा, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा इसमें से करंट कम जाएगी, और करंट कम जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी। जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान हम बढ़ाएंगे तो करंट का मान क्या होगा, आर्मेचर जो करंट इधर से फ्लो हो रही है, आर्मेचर में से जो करंट फ्लो होती है उसे आर्मेचर करंट बोलते हैं, जानते हैं आप। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे आर्मेचर करंट घटेगी, और जैसे जैसे करंट घटेगी तो क्या होगा, स्पीड का मान घटेगा। तो यहाँ से भी ये आप देख लो, स्पीड का मान क्या होता था, हमने पढ़ा था कि जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है जो कनेक्ट किया है सीरीज में, आर्मेचर रेजिस्टेंस आ रहे उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये दोनों मेथड आप देख चुके संट कंट्रोल मेथड फील्ड के लिए। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि फ्लक्स कंट्रोल में इसके स्पीड व्युत्क्रमानुपाती होती है, और आर्मेचर या रिओस्टेट कंट्रोल में भी आर्मेचर जो रेजिस्टेंस होता है इसके भी व्युत्क्रमानुपाती होती है स्पीड। फिर हम आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम सीरीज मोटर के लिए बात करते हैं। सीरीज मोटर के लिए भी वो सेम दो ही चीज़ होती हैं, स्पीड कंट्रोल मेथड दो ही होंगे, फ्लक्स कंट्रोल मेथड और दूसरा होगा आर्मेचर या रिओस्टेटिक कंट्रोल मेथड। यदि इसके अंदर फ्लक्स कंट्रोल मेथड देखें तो फ्लक्स चार चार प्रकार से, चार मेथड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पीड और फ्लक्स में क्या रिलेशन था। आप जानते हैं कि स्पीड है वो फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अपन, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि फ्लक्स को कंट्रोल करना। यदि हम फ्लक्स को कंट्रोल करने लग गए तो स्पीड कंट्रोल कर लेंगे। अब फ्लक्स कंट्रोल करने के लिए चार मेथड हैं, चार मेथड में कुछ भी नहीं है, बस आपको लेंथी लग रहा है, बिल्कुल नाम के आधार पे आप बता सकते हो किस में क्या हो रहा है, क्योंकि हमने चीजों को समझा है। तो हम चारों को देखते हैं एक एक बार करके, बिल्कुल सिंपल है। जैसे नाम भी आपको मालूम होना, नाम देगा एग्जाम में तो नाम से आप सब कुछ बता सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे इनको, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा इन वैसे पूछेगा तो थ्योरेटिकल। तो इसकी बात करें, फील्ड डाइवर्टर की बात करते हैं। सबसे पहले फील्ड डाइवर्टर की बात हम करें तो इसमें क्या होता है, सीरीज मोटर का सबसे पहले आपको डायग्राम याद होना चाहिए, सीरीज मोटर का आप सभी को मालूम है। सीरीज मोटर में क्या होता है, आर्मेचर होता है, आर्मेचर हो गया सीरीज मोटर में। आर्मेचर के सीरीज में श्रेणी क्रम में क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, और यहां से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वी। वोल्टेज भी हमने अप्लाई किया, वोल्टेज के कारण करंट फ्लो होगी। बस सीरीज मोटर में इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि इसमें सीरीज करंट ISC जो आप जानते हैं पहले से, ISC, और यहाँ पे आर्मेचर करंट IA दोनों बराबर होती हैं, क्योंकि सीरीज में हमेशा करंट बराबर होती है, जो करंट यहाँ से आएगी वही करंट इधर से जाएगी। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि सीरीज मोटर का डायग्राम हमने देख लिया, अब हमें कंट्रोल किसको करना है, फील्ड को कंट्रोल करना है। फील्ड को कैसे कंट्रोल करें,
तो फील्ड कंट्रोल के चार मेथड हैं, जैसे नाम से आपको मालूम चल जाएगा। पहला मेथड है फील्ड फील्ड डाइवर्टर। हम पहले मेथड की बात करते हैं सबसे पहले। पहला मेथड क्या है? फील्ड डाइवर्टर। तो फील्ड डाइवर्टर को हम देखें तो फील्ड को डाइवर्ट किया जाता है दो पार्ट्स में। जैसे इसका डायग्राम क्या था, ये फील्ड थी हमारी, यहाँ पे आर्मेचर था। इसमें क्या किया जाता है कि फील्ड के समांतर क्रम में, फील्ड के पैरेलल में एक वेरिएबल रजिस्टर जोड़ दिया जाता है। वेरिएबल रजिस्टर, ये चिन्ह लगाते हैं, वेरिएबल बन जाता है रजिस्टर। मतलब इसको कम बड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, या फिर हमने जो बनाया था वैसे बना सकते हो। इसके बीच में कनेक्ट कर दो, तो कैसे भी कनेक्ट कर दो, ये होता है वेरिएबल रजिस्टर। तो जैसे जैसे हम इस रजिस्टर को कम ज्यादा करेंगे तो फ्लक्स का नाम मान चेंज होगा, फ्लक्स का मान चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी। तो जैसा नाम है सेम टू सेम चीज है कि फील्ड डाइवर्टर, मतलब इसमें फील्ड के पैरेलल में समांतर क्रम में एक रजिस्टर जोड़ दिया जाता है। रजिस्टर का मान कम ज्यादा करेंगे तो करंट का मान भी फील्ड में कम ज्यादा होगा। इसका मान जैसे आपने ज्यादा कर दिया, तो ज्यादा कर दिया तो करंट ज्यादा रजिस्टर में से जाना पसंद नहीं करती, वो सारी करंट इधर से जाएगी, मतलब फील्ड का मान बढ़ जाएगा। और यदि आपने रजिस्टर और फील्ड का मान बढ़ जाएगा तो स्पीड का मान घट जाएगा, क्योंकि फील्ड और स्पीड एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो बस ऐसे ये कंट्रोल किए जाते हैं। यदि रजिस्टर का मान कम कर देंगे तो करंट इधर से ज्यादा जाएगी, इधर से कम जाएगी, इधर से कम जाएगी, तो फील्ड का मान कम हो जाएगा, फील्ड का मान कम हो जाएगा तो स्पीड का मान बढ़ जाएगा। तो ये चीजें आप सब कुछ समझ चुके हो। तो इसमें सिंपल है, जैसा नाम वैसा डायग्राम बना दिया। इसमें क्या था, फील्ड डाइवर्टर, मतलब फील्ड को डाइवर्ट कर दिया, डिवीजन कर दिया, फील्ड के पैरेलल में हमने रजिस्टर लगा दिया। सेकेंड हम देखते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर। तो आर्मेचर डाइवर्टर बी वाला देखते हैं। नाम से मालूम चल रहा है आपको इस बार आर्मेचर का ऑपरेशन करना है, पहले फील्ड का किया था। तो आर्मेचर क्या करेगा, ये आर्मेचर था, यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग थी, इसके बाद यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया। तो इसमें क्या होता है, फील्ड के साथ कुछ नहीं, आर्मेचर डाइवर्टर नाम से मालूम चल रहा है कि आर्मेचर के पैरेलल में समांतर क्रम में एक वेरिएबल रजिस्टर जोड़ देंगे, वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, तो वेरिएबल रजिस्टर जोड़ दिया आर्मेचर के पैरेलल में, ये ऐसे साइन वेरिएबल रजिस्टर ऐसे बनाते हैं। तो इसके समांतर क्रम में पैरेलल में क्या जोड़ दिया, रजिस्टर जोड़ दिया। इसके द्वारा हम इसकी करंट को कंट्रोल करेंगे, इसकी स्पीड कंट्रोल होगी। तो इसका नाम जैसा नाम वैसा डायग्राम, ठीक है। इनके द्वारा हम फ्लक्स कंट्रोल कर रहे हैं, इससे स्पीड ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं स्पीड और फ्लक्स एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर तीसरा है टैप्ड फील्ड कंट्रोल, सी वाला है टैप्ड फील्ड कंट्रोल। अब टैप्ड फील्ड कंट्रोल की बात करें हम, तो इसके अंदर क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग जो होती है सिंपली ऐसे होती है, यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, और इसके सीरीज में क्या कनेक्ट होता है, आर्मेचर, आर्मेचर कनेक्ट होता है इसके सीरीज में, ठीक है। अब जो यहाँ पे नाम से मालूम चल रहा है आपको, टैप्ड, टैप्ड मतलब टैप करना, कम ज्यादा करते हैं हम टैपिंग को। तो इसमें क्या होता है, टैप्ड फील्ड कंट्रोल। इसमें फील्ड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, टैप से, जैसे आपको नाम से मालूम चल रहा है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे टैप होते हैं सबके ऊपर, मतलब ऐसे इनकी कुंडियां निकली होती हैं। तो आप जैसे जैसे इसको, जो ये इसको आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे होता है, जैसे ये है, इस पे कनेक्ट कर दिया। तो इस पे क्या होता है कि जैसे जैसे आप टाइप की संख्या बढ़ाओगे, देखो इधर से कनेक्ट है तो आपने जैसे इधर कनेक्ट किया तो एक ही कोयल काम करेगी, यहाँ कनेक्ट किया तो ये दो काम करेंगी। इधर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वाइंड ये ज्यादा कोयल काम करेंगी, और जैसे जैसे कोयल ज्यादा होती जाएंगी फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज्यादा कोयल ज्यादा फ्लक्स पैदा करेंगी। तो इसके द्वारा हम फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं, समझ गए आप, कि इन टैपिंग को कंट्रोल करके हम फ्लक्स का वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू है वो कम ज्यादा करते हैं। और फ्लक्स की वैल्यू कम ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक स्पीड की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि स्पीड और फ्लक्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे टैपिंग के द्वारा, नाम से मालूम चल रहा है आपको, टैप्ड फील्ड वाइंडिंग, इसका उपयोग है वो ज्यादातर ट्रैक्शन में किया जाता है। ये क्वेश्चन वो पूछ रहता है डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन आरआर भी ज्यादा पूछता है कि फील्ड वाइंडिंग, टैप्ड फील्ड वाइंडिंग का यूटिलाइज कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ट्रैक्शन वर्क में। और इसके बारे में तो आपको मालूम ही चल रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है कि फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, टैप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक वाइंडिंग और बच गई, पैरेलल फील्ड कॉइल्स। अब पैरेलल फील्ड कॉइल्स को देख लो आप, पैरेलल फील्ड कॉइल्स के अंदर नाम से मालूम चल रहा है आपको, पैरेलल मतलब समांतर क्रम में, पैरेलल में फील्ड मतलब फील्ड को समांतर क्रम में बांटा जाता है, फील्ड को समांतर क्रम में बांटा जाता है। जैसे बहुत से प्रकार से हम बांट सकते हैं, जैसे आर्मेचर सेम रहेगा, इसमें नाम से मालूम चल रहा है कि हमें फील्ड के साथ खेलना है, फील्ड के साथ खेलना है पैरेलल पैरेलल कर करके। तो ये आर्मेचर सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फील्ड होती थी,
अब फील्ड को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करेगा, जैसे पैरेलल कर दिया इन दो को, ये जो फील्ड थी इसको इसके पैरेलल में फील्ड कनेक्ट कर दी, तो इससे क्या फील्ड डाइवर्ट हो गई, फील्ड पैरेलल फील्ड कंट्रोल, मतलब फील्ड कंट्रोल, इसका नाम ये पैरेलल फील्ड कंट्रोल, मतलब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है फील्ड्स को और इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया या फिर इसके साथ और वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया, तो इस द्वारा ये पैरेलल मेथड है, मतलब समांतर क्रम में फील्ड्स को कनेक्ट कर करके स्पीड कंट्रोल करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा कि पैरेलल फील्ड कोइल मेथड है स्पीड कंट्रोल का सीरीज मोटर में, ये कहाँ इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ये यहाँ पे अपने फैन मोटर जो होते हैं, फैन मोटर में इस्तेमाल किया जाता है, फैन मोटर होते हैं जो अपने यूटिलाइज करते हैं अपने घरों में, फैन जो फैन होते हैं उनके अंदर फील्ड कंट्रोल मेथड यूज किया जाता है, उसके अंदर पैरेलल फील्ड कोइल्स मेथड यूज किया जाता है। तो हमने ये सभी देखे, इसमें सभी में फ्लक्स को कंट्रोल किया है और नाम के आधार पर ही आप बता सकते हैं कि किस में क्या कनेक्ट हो रहा है। फील्ड डाइवर्टर मतलब फील्ड को फील्ड के साथ में फील्ड के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, फील्ड के पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया। अब आता है आर्मेचर डाइवर्टर, आर्मेचर के पैरेलल में हमने वेरिएबल रजिस्टर कनेक्ट कर दिया इसको कंट्रोल करने के लिए। तीसरा जैसे नाम है कि टैप्ड के साथ ही हम टैप कंट्रोल मेथड सीखा कि टैप कर सकते हैं हम ऐसे ऐसे। तो हमने ये सब देख लिए, सभी देखा हमने। पैरेलल कंट्रोल क्या होता है, पैरेलल कंट्रोल आपने देख लिया कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर फील्ड है, नाम से मालूम चल रहा है फील्ड। तो ये आप इनको सिंपली नाम से देख चुके, बल्कि नाम के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे कि या फिर ये दो क्वेश्चन बनेंगे कौन सा कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये दे देगा जैसे फील्ड डाइवर्टर है इसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा कि इसमें वेरिएबल रजिस्टर को फील्ड के पैरेलल में जोड़ा जाता है, आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ा जाता है, और दोनों दोनों किसी भी जोड़ सकते हैं या कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन बना के दे देगा। तो हमें मालूम है फील्ड डाइवर्टर में फील्ड के पैरेलल में वेरिएबल रजिस्टर कनेक्ट किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन बना देगा वो, या फिर डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा ट्रक्शन या फिर फैन मोटर से। अब हम देखते हैं आर्मेचर या रेस्टेटिक कंट्रोल मेथड, तो इसमें तो हमें आर्मेचर को कंट्रोल करना है, तो आप इसका सीरीज मोटर का डायग्राम जो आप जानते हो कैसे होता है, ये फील्ड होती है, फील्ड के पैरेलल में आर्मेचर हो गया, यहाँ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बाहर से इनपुट देते हैं मोटर के लिए, यहाँ से आर्मेचर का हो गया, ये रेजिस्टेंस ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। अब इसमें हमें नाम से मालूम चल रहा है आर्मेचर रोस्टेटिक कंट्रोल, इसमें क्या किया जाता है आर्मेचर को कंट्रोल करना है। अब आर्मेचर को कंट्रोल करना है तो आर्मेचर के यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हैं, जैसे हमने सेम पहले देखा था, यहाँ पे हमने लगा दिया वेरिएबल रजिस्टर आर्मेचर के साथ में, तो वेरिएबल रजिस्टर को कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पे सिंपली इसकी इसमें करंट में जैसे रजिस्टर में कंट्रोल करेंगे, तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड क्या होती है, स्पीड आर्मेचर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि हम फॉर्मूले से देख चुके, ये फॉर्मूला पहले हम देख चुके, एन इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाई, तो यहाँ से आर्मेचर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था व्युत्क्रमानुपाती था, क्योंकि माइनस चिन्ह बीच में था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सिंपल के आर्मेचर रेजिस्टेंस आर्मेचर के साथ में नाम से मालूम चल रहा है आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है उसको वेरी किया जाता है, आर्मेचर के रेजिस्टेंस को वेरी किया जाता है, और इस सीरीज में होता है इसके साथ, सीरीज में आर्मेचर ये सीरीज में तो है इसके साथ यहाँ जोड़ेंगे तो ठीक है। अब हम कहना क्या चाहते हैं कि जैसे जैसे रजिस्टर का मान बढ़ाएंगे, यहाँ पे जैसे हमने आर्मेचर रजिस्टर का मान बढ़ाया, जैसे जैसे आर्मेचर रजिस्टर का मान बढ़ाया तो स्पीड का मान घट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बस यही था इसके अंदर, डीसी सीरीज मोटर्स के अंदर। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे जिससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, नेसेसिटी ऑफ मोटर स्टार्टर। नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ मोटर स्टार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे से सवाल बहुत ज़्यादा आते भी हैं आपको मालूम है और आएगा भी, मोटर स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, नेसेसिटी ऑफ मोटर स्टार्टर, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, मोटर स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम जो घरों में मोटर लगाते हैं उनके लिए स्टार्टर भी लगाया जाता है, स्टार्टर क्यों लगाया जाता है, तो यदि इसका सिंपल और एक लाइन में आंसर दें तो इसका आंसर होगा कि एक्सेसिव जो स्टार्टिंग करंट, शुरुआत में बहुत ज़्यादा करंट होती है उसको उससे बचाने के लिए, उस शुरुआत में जो करंट बहुत ज्यादा होती है उससे आर्मेचर वाइंडिंग को बचाने के लिए, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा होती है तो उससे फ्यूज या डैमेज का खतरा होता है, तो इसका सीधा आंसर हम बोलना चाहें तो इसे बोलेंगे कि टू अवॉइड एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट की शुरुआती
शुरुआत में जो बहुत ज्यादा, शुरुआती, अत्यधिक, करंट, करंट से आर्मेचर वाइंडिंग को बचाने के लिए, आर्मेचर वाइंडिंग बोल दो, आर्मेचर वाइंडिंग बचाने के लिए बोल दो, जल जाती है आर्मेचर वाइंडिंग बोल दो, या फिर बोल दो फ्यूज हो जाता है, या फिर बोल दो कि डैमेज होती है, ब्रशेज वगैरह डैमेज होती है, ब्रशेज वगैरह जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ब्रश क्या करती है, कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करती है और उसको लोड पे देती है, तो ब्रशेज वगैरह जल जाती है, फ्यूज हो जाता है, या फिर आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग जो भी है वो सबके जलने का खतरा होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इस चीज को कैसे कम कैसे किया जाए, स्टार्टिंग करंट है वो बहुत ज्यादा होता है, उससे वाइंडिंग्स वगैरह जल जाती है, फ्यूज ब्रशेज का खतरा होता है, इससे कैसे बचाया जाए, तो यही इसका काम होता है कि स्टार्टर मोटर क्यों यूज किया जाता है, स्टार्टर मोटर का फंक्शन ये होता है। अब क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यहीं से पूछेगा कि स्टार्टर मोटर की जरूरत क्या होती है, कि चार ऑप्शन दे देगा कि एक्सेसिव करंट से शुरुआत में जो ज्यादा करंट होता है उससे बचाने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस दे इसके लिए, या फिर और भी चार ऑप्शन बना के दे देगा तो हम ये आंसर टिक कर देंगे, लेकिन अंदर से क्वेश्चन बना सकता है, तो हमें पूरा ये समझने की जरूरत है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में ईबी एबसेंट होता है, ईबी जो होता है, ईबी क्या होता था, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ एबसेंट होता है, और बैक ईएमएफ आप जानते तो कि बैक ईएमएफ कैसे काम करता था, जैसे आर्मेचर था, आर्मेचर को हम वोल्टेज दे रहे थे इधर से, आर्मेचर को हम वोल्टेज दे रहे थे इधर से, तो इसके अंदर इस डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई हो रहा था, जो हम दे रहे थे यहाँ प्लस था या माइनस था, हमने यहाँ वोल्टेज अप्लाई किया, तो करंट की डायरेक्शन ये थी, तो इस डायरेक्शन में वोल्टेज हमने आर्मेचर के ऊपर लगाया, लेकिन बैक ईएमएफ इसके जस्ट अपोजिट लगता था, आपको मालूम था मैंने डीसी मोटर में पढ़ाया था कि बैक ईएमएफ इसके जस्ट अपोजिट होता है, तो बैक ईएमएफ आता कहाँ से है, बैक ईएमएफ की चाहे आप इक्वेशन देख लो या फिर जो मैंने समझाया था उसके आधार पर देख लो, इसकी इक्वेशन क्या थी, NP5 60 Z/A, तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ये जो स्पीड है एन का मान क्या है, स्पीड, स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है वेरिएबल रूप से मैन, तो ये क्योंकि जेड ए कॉन्स्टेंट है, फाई क्या है, फाई फ्लक्स है, फ्लक्स की वाइंडिंग जो यहाँ होती है, फाई फ्लक्स भी लगभग कॉन्स्टेंट मान लो, चलो छोड़ो, ये पोल क्या है, पोल हर मोटर का फिक्स होता है, 60 खुदे कॉन्स्टेंट है, तो मेनली इसकी डिपेंड करती है स्पीड पे, और मैंने थ्योरी भी आपको पढ़ाई थी पूरी कि होता क्या है बैक ईएमएफ, मैंने आपको वहां पे बताया था कि जब मोटर ये फील्ड वाइंडिंग आग लग गई, बीच में आर्मेचर है, कि आर्मेचर में फील्ड वाइंडिंग स्टार्ट हुई, यहां से हमने करंट दिया इसको, अपन वोल्टेज देते हैं मोटर के अंदर, दिया इसको, तो जैसे इसमें करंट बहेगी तो इसकी रोटेट होना स्टार्ट कर देगा, मोटर का काम हो गया, लेकिन जैसे ये घूम रहा है मोटर चलने के बाद, तो घूम रहा है तो जब भी फ्लक्स के अंदर कोई कंडक्टर घूमेगा तो उसमें ईएमएफ भी पैदा होगा, यही तो था इंडक्शन मेथड, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, मैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत, तो जैसे घूमता है तो इसके अंदर करंट पैदा होगी, जनरेटर का सिद्धांत था, तो उसी सिद्धांत के कारण इसमें वापस से ईएमएफ पैदा हो जाता है, जो जस्ट जो हम बाहर से दे रहे थे वोल्टेज इसका उल्टा होता है, तो थ्योरी से भी देखें तो भी ईबी मैंने बताया था इसका विरोध करता है, तो शुरुआत में क्या स्पीड बिल्कुल नहीं होती, शुरुआत में शुरुआती जो हम एक अचानक से हम इसको वोल्टेज दिया तो उस टाइम में करंट का मान इसमें जीरो, इस करंट इस उस टाइम में स्पीड का मान जीरो था, क्योंकि जैसे हमने इसको वोल्टेज दिया तो स्पीड का मान जीरो था, स्पीड का मान जीरो था मतलब बैक ईएमएफ नहीं थी, बैक ईएमएफ कब पैदा होती है, जनरेटर वाले सिद्धांत से, जब ये घूमता है तब पैदा होती है, शुरुआत में तो घूम नहीं रहा था, स्थिर था मोटर का आर्मेचर, तो इस कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में आर्मेचर स्थिर होता है तो वहां पे स्पीड नहीं होती, स्पीड नहीं होती तो बैक ईएमएफ नहीं होता, तो मेन अंदर से हम देखें तो ये जैसे इस डायरेक्शन में हमने ईबी लिया तो ईबी क्या होता है, एबसेंट होता है, और जब ईबी एबसेंट होता है तो ये जो अप्लाई किया हमने वोल्टेज इसका विरोध कोई नहीं कर रहा, क्योंकि ईबी इसका विरोध करता था, तो ये बहुत ज्यादा करंट हो जाती है इसमें, दोबारा से हम यदि इस चीज को लिखें या समझें तो हम कैसे समझाएंगे कि बैक ईएमएफ एब्सेंट होता है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोलेंगे, पहले पॉइंट में तो इसको बता दिया कि ये होता है, नेक्स्ट पॉइंट हम बोलें तो हम बोलेंगे कि ईबी एब्सेंट होता है, ईबी बैक ईएमएफ क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है, फिर हम बात करें बैक ईएमएफ एब्सेंट होता है, बैक ईएमएफ एब्सेंट होता है तो हमने वोल्टेज अप्लाई किया, वो पूरा का पूरा जो वोल्टेज है यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, तो स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा हो जाती है, स्टार्टिंग करंट की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है,
ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, किससे क्या होता है, इससे ये फ्यूज वगैरह जो है फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज काम कर जाता है क्योंकि करंट बहुत ज्यादा है, फ्यूज हो जाता है, या तो ये वाइंडिंग में फ्यूज लगा है तो, या फिर डैमेज हो जाती है ब्रशेज वगैरह, डैमेज ऑफ ब्रशेज, ब्रश ब्रश जो है वो डैमेज हो जाती है, डैमेज मतलब खराब हो जाती है और जल जाती है। ठीक है, तो ये चीजें थी इसके अंदर। फिर हम बात करें कि इसका इलाज क्या करें, कि इससे बचने के लिए किया क्या जाए। तो इसमें क्या किया जाता है कि करंट तो ज्यादा कहाँ हो रही थी, आर्मेचर में करंट ज्यादा हो रही थी, तो इसमें क्या आर्मेचर के साथ में एक वेरिएबल, एक रजिस्टर लगा दिया जाता है, इसके साथ में रजिस्टर लगा दिया जाता है। तो वो रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर बढ़ाएंगे तो करंट का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो रजिस्टर हैवी लगाया जाता है, शुरुआत में लगाया जाता है, और जैसे ही रजिस्टर जैसे ही नॉर्मल हो जाता है, स्पीड जब रोटेट हो जाती है, मोटर चलने लग जाती है, तो उसके बाद में जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बैक ईएमएफ पैदा हो जाती है। जैसे मोटर घूमना स्टार्ट करती है तो बैक ईएमएफ पैदा हो जाती है, बैक ईएमएफ पैदा हो जाती है तो हमें इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, जो सीरीज लगाते हैं, जो रजिस्टर लगाते हैं, फिर हम उसको उठा देते हैं। तो इससे इसका बचाव क्या है, इसका उपाय क्या है, कि इससे कर बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट मतलब लगाया जाता है, या फिर डायरेक्ट बोल दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है किसके, आर्मेचर के। ठीक है, तो एक रजिस्टर है वो कनेक्ट किया जाता है, देखो दोबारा बता देता हूँ, ये आर्मेचर है, तो इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं, जैसे हम बता रहे थे ऐसे लगा देते हैं, तो कहने का मतलब थ्योरेटिकल आएगा क्वेश्चन की वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हैं इसके साथ में, तो ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, तो वेरिएबल रजिस्टर लगा देंगे, तो शुरू में ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर ज्यादा, इस वेरिएबल रजिस्टर मतलब इसका बहुत ज्यादा रजिस्टर कर देंगे शुरू में, तो जब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और कुछ समय बाद जब ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी तो बैक ईएमएफ पैदा हो जाएगी इसका अपोजिट करने के लिए, बैक ईएमएफ, तो फिर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर हम इसको उठा देते हैं, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टार्टर है वो शुरुआती टाइम में काम करता है, लगातार काम नहीं करता वो, बस केवल शुरू शुरू में स्टार्ट कर, शुरू शुरू में काम करता है, शुरू शुरू में स्टार्टिंग का काम करता है। तो ये देख लिया हमने कि एक कनेक्टेड इन सीरीज आर्मेचर, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, किसके, आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो ये, और फिर उसके बाद इसको उठा दिया जाता है, कटआउट कर दिया जाता है, ये भी लिख देता हूँ, कटआउट कर दिया जाता है जब मोटर स्पीड गेन कर लेती है, कि जब मोटर है वो स्पीड गेन कर लेती है, जब स्पीड गेन कर लेगी तो बैक ईएमएफ पैदा होने लग जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, स्पेशल डायरेक्ट नहीं, मैंने इतना टाइम इसको इसीलिए दिया है कि किसी भी रूप में क्वेश्चन बना सकता है, और चार ऑप्शन दे देगा, या तो इशा दर बोल देगा कि एक्सेसिव करंट ज्यादा होता है, और दो ऑप्शन चार ऑप्शन दे देगा, तो हम पहचान जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में जैसे ये भी दे दिया कि ई बी एबसेंट होता है शुरुआत में, भाई वो क्वेश्चन बोलेगा कि मोटर स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग मेथड की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ये भी दे देगा ई बी एबसेंट होता है, तो ये भी बात सही है। फिर ऑल ऑफ दीज कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, फिर बोलेगा फिर ये भी सब कुछ जानना जरूरी था, स्टार्टिंग करंट ज्यादा होती है, फ्यूज या डैमेज ब्रशेज हो जाती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आरआरबी के लिए, आज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखते हैं रियोस्टेटिक और फील्ड कंट्रोल दोनों का कंपेरिजन करते हैं, रियोस्टेटिक वर्सेज फील्ड कंट्रोल, दोनों के बीच कंपेरिजन करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है लैंग्वेज के ऊपर बना के ऑब्जेक्टिव में, तो अभी देखोगे आप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम देखो रियोस्टेटिक कंट्रोल क्या होता था, कि उसमें हम रेजिस्टेंस आर आर कनेक्ट करते थे, क्या कनेक्ट करते थे, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जहां भी कनेक्ट होता है तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रॉनिक में आप मींच के बोल सकते हो कि ये कुछ ना कुछ पावर खाता है और उसको हीट के रूप में डिसिपेट करता है, तो रेजिस्टेंस हमेशा पावर खाता है, समझ रहे हो आप बात को। तो जब हम रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड पढ़ते हैं तो इसमें हम रेजिस्टेंस लगा लगा के, रेजिस्टेंस बढ़ा बढ़ा के और कम किया, कम करते हैं करंट को, और फ्लक्स वगैरह कम करते थे फील्ड कंट्रोल में, फील्ड कंट्रोल मेथड्स, ये रियोस्टेटिक कंट्रोल में रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है ताकि इफेक्ट बढ़े वो फ्लक्स, और उनको कंट्रोल किया जा सके आर्मेचर रेजिस्टेंस को। तो जैसा कि नाम से मालूम है रियोस्टेटिक मतलब इसमें रेजिस्टेंस कंट्रोल किया जाता है, आप जानते हो, और रेजिस्टेंस हमेशा पावर को खाता है। तो इसका पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि रियोस्टेटिक कंट्रोल के बारे में हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इन दोनों की, पहला हम क्या बोलेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट पावर का है वो वेस्ट हो जाता है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ पावर
इज वेस्टेड। तो इसमें बहुत ज्यादा पावर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा पावर वेस्ट हो जाती है, खर्च हो जाती है, काम में नहीं आती, बहुत ज्यादा पावर वेस्ट होती है। दूसरी हम बात करें तो इसके अंदर है वो स्पीड कंट्रोल, ये जो रेजिस्टेंस कंट्रोल है, हमेशा पावर को खाता है, आपको मालूम है। तो इसमें स्पीड कम ही कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है, स्पीड बिलो द नॉर्मल स्पीड, स्पीड है वो केवल नॉर्मल स्पीड से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं। स्पीड बिलो द नॉर्मल स्पीड मतलब जो नॉर्मल स्पीड होती है उससे हम कम तो कर सकते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं स्पीड को, कंट्रोल के मेथड ये हैं दोनों, स्पीड कंट्रोल के मेथड हैं। तो इसमें स्पीड कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन केवल कम कर सकते हैं, इसमें बढ़ा नहीं सकते। ये होता है रियोस्टेटिक कंट्रोल। तो अगर हिंदी बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा पावर नष्ट हो जाती है, इसमें बहुत सी शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति का ह्रास होता है इसमें रजिस्टर्स में। और इसको बोले तो इसमें स्पीड जो रेटेड स्पीड है, जो नॉर्मल स्पीड है, उससे कम की जा सकती है। तो इसमें है जो स्पीड, स्पीड को कम किया जा सकता है, ज्यादा नहीं कर सकते इसमें। और इन दोनों से आपको मालूम चल रहा है कि यहाँ तो एनर्जी, शक्ति का ह्रास हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड को कम किया जा रहा है। तो इसकी यदि एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी या बोले एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, दक्षता, इसकी दक्षता है वो कम होती है, इसकी दक्षता कम होती है, इसकी एफिशिएंसी है वो कम होती है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो ये है फील्ड कंट्रोल मेथड, ये पहली बात तो इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करते, इसमें फील्ड को डिवाइड किया जाता है, फील्ड को वेरी किया जाता है रजिस्टर वगैरह लगा के। तो इसमें एक तो मेन चीज ये है कि इसके अंदर पहली चीज बात करें तो ये जैसा कि हमने देखा, ये एफिशिएंसी इसकी कम होती है, ये केवल स्पीड कम कर सकता है, ये बढ़ा भी सकता है, फील्ड वाइंडिंग कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल है, स्पीड कम ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। तो इसकी पहली चीज तो हम क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट बनाएं तो ये क्या होता है, इससे ज्यादा बेटर होता है, बेटर मतलब इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक मतलब ये एनर्जी का लॉस का ह्रास नहीं करता, इसलिए क्या होता है एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी बचाता है। इकोनॉमिक मतलब ये पैसे इसमें कम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होगी, इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होगी तो हमारा बिल कम आएगा, मतलब पैसे बचेंगे। इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र से संबंधित है, मतलब पैसों से संबंधित है कि हमारे पैसे बचेंगे क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती। तो पहला तो होगा इकोनॉमिकल होता है इसकी अपेक्षा, फिर दूसरा इसकी एफिशिएंसी कम थी, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, एफिशिएंसी मतलब इसकी दक्षता अधिक होती है। ठीक है, फिर हम और बोलें तो इसकी स्पीड क्या थी, कम होती थी, इसकी स्पीड कम होती, केवल बिलो स्पीड जो रेटेड स्पीड है, स्पीड को केवल कम कर सकते थे, जो भी रेटेड स्पीड, जो भी नॉर्मल स्पीड है उसे कम कर सकते थे, ज्यादा नहीं कर सकते थे। इसमें क्या है, स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसमें स्पीड कैन बी इंक्रीज, ठीक है, मतलब स्पीड को, स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था इनमें कि इसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं और इसमें बढ़ा और घटा दोनों सकते हैं, इसमें स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन इसमें केवल स्पीड को घटा सकते हैं। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होगा कि इसमें स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। फिर ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसमें हल्की सी इसका एक डिसएडवांटेज हो रहा है फील्ड कंट्रोल मेथड का कि इसमें कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन मैंने डीसी मोटर में बताया था, यहाँ नहीं बताऊंगा आपको। डिस कम्यूटेशन है वो अनसेटिस्फिकेशन हो जाता है, मतलब कम्यूटेशन है वो असंतुष्ट रहता है, मतलब उसमें दिक्कत आती है। कम्यूटेशन क्या होता है, असंतुष्ट हो जाता है, मतलब उसमें कम्यूटेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसका एक नुकसान भी है, इसका एक नुकसान है, कम्यूटेशन असंतुष्ट हो जाता है, अनसेटिस्फाई होता है, कम्यूटेशन अनसेटिस्फाई रहता है। तो इसमें मेन क्वेश्चन यहीं से पढ़ेंगे कि इन दो कंपेरिजन पूछेगा, बोला कौन सा मेथड वो ज्यादा इकोनॉमिक होता है, ऑप्शन दे देगा रियोस्टेटिक कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल, एक और दे देगा और पूछेगा कौन सा ज्यादा बेटर है। तो हम क्या बोलेंगे, फील्ड कंट्रोल ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसके अंदर स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और इसमें कोई रजिस्टर नहीं लगा होता आर्मेचर के साथ, तो इसमें शक्ति का ह्रास नहीं होता। रियोस्टेटिक नाम से मालूम चल रहा है कि इसमें रियोस्टेटिक मतलब रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं तो एनर्जी खाता है, शक्ति को खाता है। तो एक इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है लैंग्वेज के ऊपर बना के। इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, हमने डीसी मोटर पूरा पढ़ लिया। तो सब अब जो आगे भी मोटर पढ़ेंगे, जैसे हमने डीसी जनरेटर पढ़ लिया, हमने डीसी मोटर पढ़ ली, तो जो भी मोटर या जनरेटर का पार्ट था उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर से, क्योंकि आईटीआई के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है।
और जो हम आगे पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर, सर्वो मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये सब हैं, इनके ऊपर से क्वेश्चन कम बनेंगे, केवल इनके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछेगा, केवल इनके यूजेज के ऊपर पूछेगा, कौन सी मोटर कहाँ यूज की जाती है, और हल्का सा उनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह यूटिलाइज है, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। बाकी जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं स्पीड कंट्रोल मेथड और इन सब के लिए ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, इतना ज़्यादा वहाँ नहीं जाएगा। तो ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में पूरे में, जनरेटर और मोटर जितनी भी हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। और हमने इनको पूरा देखा है, कहीं से भी कुछ भी नहीं छोड़ा, डीसी जनरेटर डीसी मोटर, और कुछ भी आपको मैंने रटाया नहीं है कि आप भूल जाओगे, सब कुछ मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया है। तो बस आप उनको डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर, इनके डायग्राम वगैरह याद करो, एक बार इनकी इक्वेशन याद करो, एक इक्वेशन ली थी मैंने, उसी के आधार पे पूरा को पूरा हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ दिया, एक इक्वेशन देखी थी पूरी में हमने कि स्पीड क्या होती है, के तो कांस्टेंट था, इस पे फर्क नहीं पड़ता, स्पीड होती है वी माइनस आई आर ए अपॉन फाइव। तो इस केवल एक फॉर्मूले के आधार पर ही हमने पूरा पढ़ दिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा डीसी मोटर कंप्लीट होता है पूरी तरह से। हम इसके बाद स्टार्ट एक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर में वो लेंगे कि मेजरमेंट डिवाइसेज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पार्ट ए और बी दोनों में है। पार्ट ए में भी मेजरमेंट डिवाइसेज के नाम से यूनिट है, इक्विपमेंट एंड मेजरमेंट डिवाइसेज, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स की तरफ जाएंगे जो